Hello everyone, can you hear me? Good afternoon. Welcome to agricultureinformation.com webinar. Today we are going to interact with Mr. Sandeep Goyal about certified wheat seed production and its processing. The format of the webinar will be as follows. I'll mute everyone in the audience except Mr. Sandeep Goyal. Then Mr. Sandeep will make his presentation, and after we listen to him, you can ask him questions. And you can ask your question by typing in chat box in GoToMeeting, or you can also email it ed@agricultureinformation.com. I repeat, ed@agricultureinformation.com. Then I'll ask him the question sent by you, and if we have time, I'll unmute one or two members in the audience, and then you can directly talk with Mr. Sandeep Goyal. Mr. Sandeep, I'm unmuting you now. You can start your presentation. Okay, मेरा नाम संदीप गोयल है और मैं उत्तराखंड में सीड प्रोडक्शन का काम करता हूँ. मेनली सीड प्रोडक्शन. हाँ जी मिस्टर संदीप, इंग्लिश में. जी मैंने आपको बोला था मेरा हिंदी में होगा. नो 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 एनी हाउ यू कैन टॉक इन इंग्लिश. नो मैं आपको हिंदी में दे पाऊंगा. मैं आपको हिंदी में दे पाऊंगा. हेलो. हाँ आपने बताया ना आप हिंदी में बोलोगे. नहीं 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 मैंने एक बार भी ऐसे बोला ही नहीं कि आपको हिंदी में बोलना है. नहीं आपको आप फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में. ओके ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए हिंदी में. हेलो हेलो. या प्लीज कंटिन्यू. मेरा नाम संदीप गोयल है और मैं उत्तरांचल के काशीपुर में रहता हूँ. यहाँ पे मेरा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन का काम है. मेनली सर्टिफाइड सीड हम लोग जो बनाते हैं उसमें ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास गेहूं बीज का होती है. गेहूं बीज में हम लोग करीब 17-18 वराइटीज का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं, और इसकी जो भी मार्केटिंग है वो यूपी और बिहार, बंगाल, आसाम में की जाती है. जो सीड प्रोडक्शन का काम है इसकी मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, जो कि हर लेवल पे सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती है. सीड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें ब्रीडर सीड लेना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं इस ब्रीडर सीड को प्रोवाइड करती हैं. और ये ब्रीडर सीड हम लोग लेके सबसे पहले फार्मर को देते हैं. उस फार्मर का रजिस्ट्रेशन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में होता है, जिसके लिए एक फीस होती है, फीस जमा की जाती है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर्टिफिकेशन एजेंसी खेत की मॉनिटरिंग करती है, और मॉनिटरिंग करने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो वो किसान द्वारा काट के सीड प्लांट पे लाई जाती है. उसके कुछ समय बाद हम लोग उसमें ग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. ग्रेडिंग प्रोसेस भी जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की मॉनिटरिंग में होता है. लैब में सैंपल्स आते हैं,
और जो सैंपल्स के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही सीट की पैकिंग हो पाती है। सीट पैक होने के बाद उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जो हमने ब्रीडर सीट लगाया है तो फाउंडेशन सीट होता है, और अभी फाउंडेशन सीट हमने फार्मर को दिया है तो उसकी जो प्रोड्यूस आती है वो सर्टिफाइड सीट होती है। फाउंडेशन सीट सर्टिफाइड सीट बनाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए उसका प्रिपोर्शन हम लोग अपने पास रोक लेते हैं, जो कि अगले साल किसान को सर्टिफाइड सीट बनाने के लिए दिया जाता है। और जो सर्टिफाइड सीट होता है उसको मार्केट में दिया जाता है। आज देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो गेहूं का प्रोडक्शन करती है, और यदि किसान के पास तक सर्टिफाइड सीड्स की अच्छी वैरायटीज पहुंचती हैं तो उसको अच्छी पैदावार मिलती है। बेसिकली ये ब्रीफ है एक सीड इंडस्ट्री का, वो मैंने आपको बताया। हेलो, हाँ या जी, हाँ, आप कंटिन्यू हाँ सीड कीजिए। इंडस्ट्री के बारे में। हाँ ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, सीड इंडस्ट्री में इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। अब आप अपना ओके, क्वेश्चन जो है वो आप दे सकते हैं। या ऑडियंस प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। मिस्टर संदीप, हाँ जी, वुड यू एबल टू आंसर इन इंग्लिश द क्वेश्चंस? ये मैंने आपको बोला था ना कि मेरा इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इसको हिंदी में या तो कंटिन्यू कर पाऊंगा। ओके, एटलीस्ट आप, मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में बोलूंगी एंड आप हिंदी में आंसर दे पाएंगे, आई मीन समझ के, दैट्स हाँ जी, हाँ हाँ जी, ओके? हाँ ओके, यस। प्लीज ऑडियंस आस्क योर क्वेश्चंस। आदित्य, एनी क्वेश्चंस? हेलो, हाँ जी, सी सपोज नाउ यू आर सेइंग वीट सीड प्रोडक्शन, तो आई मीन सो मेनी वेराइटीज आर देयर, राइट? करीब करीब हमारे पास 18-19 वैरायटीज होती हैं, और जिन वैरायटीज का हम लोग सीड प्रोडक्शन करते हैं वो वैरायटीज हम लोग यूपी बिहार को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उन वैरायटीज का प्रोडक्शन यूपी बिहार में या हरियाणा पंजाब में जाके बहुत अच्छा आए। तो आज की डेट में जो बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, जो यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक वैरायटी है HP2967, जिसका सीड रिप्लेसमेंट यदि हम पिछले साल का देखें तो करीब 70-80% किसानों ने इस वैरायटी को पसंद किया है, अच्छा, और इसकी इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी है। पंजाब और हरियाणा में इसकी जो किसानों को यील्ड मिली है वो ओके, करीब करीब 25 से 27 क्विंटल पर एकड़ की यील्ड उन लोगों ने ली है। हम लोग भी इस वैरायटी को यूपी के लिए और बिहार के लिए तैयार कर रहे हैं। यूपी बिहार भी हमने काफी ये जो HP2967 वैरायटी है दी है, और इसके यूपी बिहार में बहुत अच्छे रिजल्ट्स फार्मर्स ले रहे हैं। इसके ओके, अलावा अगली वैरायटी है DPW621-50। इस वैरायटी की भी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, इसकी भी जो किसानों को पैदावार मिली है 25 क्विंटल पर एकड़ से ऊपर मिली है। ओके, लेकिन सो इन नई वैरायटी, हाँ यस, हाँ, कहिए कहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि अभी यूपी में और बिहार में फार्मर्स लगा रहे हैं। जैसे एक वैरायटी है PBW343, लेकिन ये वैरायटी पंजाब हरियाणा में डिसकंटिन्यू हो गई है, वो लोग लेटेस्ट वैरायटीज पे जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भी जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक से एक बढ़िया नई वैरायटीज दे रही है, उसके बावजूद भी ये वैरायटी फार्मर तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, और यूपी और बिहार का फार्मर आज भी PBW343 ही लगा रहा है।
इस वैरायटी का भी पोटेंशियल अच्छा है, उसको अच्छी पैदावार मिल रही है, लेकिन फार्मर्स को इस वैरायटी को रिप्लेस करना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी देखने में आ रही हैं ओके और पैदावार भी धीरे धीरे इन वैरायटीज की कम हो रही है। ओके एंड DGW, हाँ जी, आप जो भी कर रहे हैं उसमें से बेस्ट वैरायटी क्या है? आई मीन देयर आर सो मेनी वैरायटीज, सो विच वुड यू सजेस्ट? आज की डेट में जो बेस्ट वैरायटी है यदि हम हिंदुस्तान में देखें तो वो HD2967 ओके है। इससे बढ़िया वैरायटी नहीं है जी। इस वैरायटी को हर स्टेट में ज्यादा नहीं, 25 से 30% रिप्लेसमेंट इस वैरायटी का यूपी में और बिहार में आ जाता है। पंजाब और हरियाणा में तो 60 से 70% रिप्लेसमेंट इन वैरायटीज का आ चुका है। हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि गेहूं की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके इससे ज्यादा बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी की दूसरी नहीं। ओके सो वी वुड लाइक टू नो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इनटू दिस एंड इन इनिशियल स्टेजेस व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू हैव फेस्ड? मुझे 8 साल हो गए सीड प्रोडक्शन में, और जो ओके सीड प्रोडक्शन में हम पिछले 5 साल से जो एक मेजर डिफिकल्टी जो आ रही है प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स को, वो आ रही है कि सब्सिडी की। ओके 5 साल पहले भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चालू किया था। उसका मेन मकसद था कि अभी तक जो किसान अपने घर का गेहूं बोता था खेत के अंदर, वो ना ओके बो के सर्टिफाइड सीड मार्केट से परचेस करे और अपने फील्ड में लगाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्टिफाइड सीड अभी वो खेत में लगाता है तो उसको प्रोडक्शन ज्यादा मिलती है। इसको करते हुए भारत सरकार ने 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, और जो सब्सिडी फार्मर्स को मिल रही है। लेकिन ओके उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो सीड कॉरपोरेशंस के हैं, सपोज नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो सीड मार्केट कर रहा है, यूपी के अंदर हम बात करें यूपी बीज विकास निगम जिस सीड को मार्केट कर रहा है, उसी सीड पे फार्मर को सब्सिडी मिल रही है, और जो प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स का सीड चाहे यूपी में जा रहा है चाहे बिहार में जा रहा है, उस पे उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो पिछले 5 साल से बड़ी भारी समस्या आ रही है प्राइवेट इंडस्ट्री के सामने कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करे, जबकि जो एजेंसी प्राइवेट के को का सीट सर्टिफाइड करती है वो एजेंसी गवर्नमेंट के सीट को सर्टिफाइड करती है। ओके जब दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है और वो भी सर्टिफाइड सीट बेच रहे हैं, हम भी सर्टिफाइड सीट बेच रहे हैं मार्केट में, तो सब्सिडी खाली कॉर्पोरेशन के सीट पे जो दी जा रही है वो गलत है। ओके तो आई मीन अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच स्पेस, आई मीन लैंड इज नीडेड इन व्हीट प्रोडक्शन? वीट प्रोडक्शन के लिए कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है? तो मिनिमम मिनिमम यदि आप कोई भी फार्मर है जो जो आपके डेट में हम देखे थे हिंदुस्तान में मैक्सिमम फार्मर जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। अब इसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो वो 2 हेक्टेयर लैंड में क्रॉप रोटेशन के हिसाब से क्रॉप लगाएगा। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि वहां पे खाली गेहूं और धान का क्रॉप रोटेशन चलता है। ओके जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्रॉप रोटेशन में गन्ने को भी जोड़ लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किसान के पास इतनी जमीन हो मिनिमम तब वो गेहूं लगाए। वो स्वतंत्र है कि कितने भी एरिया में गेहूं लगा सकता है। सो देन लेकिन व्हाट विल यदि बी? आप और यदि आपको सीड प्रोडक्शन का काम करना है तो सीड प्रोडक्शन के लिए तो आपको अपने साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कुंटल सीड का प्रोडक्शन आप कराना चाहते हैं। ओके तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम कितनी लैंड होनी चाहिए। ओके वन मोर क्वेश्चन, आई मीन व्हाट विल बी द प्रोडक्शन इफ आई हैव 1 एकर ऑफ लैंड? कि आप 1 एकड़ लैंड में गेहूं लगाते हैं तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर HD2967 लगाएंगे तो आप 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक उसमें गेहूं की क्रॉप ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी है आपकी 25 से 28 क्विंटल पर एकड़ मिल सकती है आपको। और यदि वही आप यूपी UP2662 की प्रोडक्शन करेंगे तो आपको 14 क्विंटल से लेकर 16 क्विंटल के बीच में आपको प्रोडक्शन मिलेगी। ओके पता है अच्छी प्रोडक्शन लेनी है तो आपको अच्छी वैरायटी कोई चूज करना पड़ेगा। ओके एंड व्हाट आर द स्टेप्स वन फार्मर नीड्स टू टेक व्हाइल टैकलिंग विद डिजीजेस?
देखिए डिजीजेस के लिए क्या मेन चीज तो जो जो भी वो अपने खेत में सीड डाले, चाहे वो गेहूं का खेत हो, चाहे उसके लाही का खेत हो, चाहे मटर का खेत हो, सबसे पहले उसको अपने उसको जो खेत में वो सीड बोए वो ट्रीट सीड जो ट्रीटेड होना चाहिए किसी भी फंगीसाइड से। और जहां से भी वो सीड ले उसमें वो देख ले कि किसी तरीके की कोई पेस्ट तो नहीं लगा हुआ है, कोई उसके अंदर कोई अदर कोई चीज तो नहीं है। ओके, सो डू यू सप्लाई सर्टिफाइड सीड्स? यस, हम सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड दोनों मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके, आदित्य, एनी मोर क्वेश्चंस? एंड आदित्य वांट्स टू नो व्हाट आर द रेट्स? सर्टिफाइड सीट के रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हम लोग जो प्राइवेट ने प्राइवेट सीड इंडस्ट्री ने जो सीड अपने गोडाउन से डीलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है वो अप्रोक्सीमेट 19 रुपए किलो में दिया है, ओके, और उस पर किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिली, 19 रुपए डीलर लेता है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है तो किसान को वो भी जाते पहुंचते पहुंचते करीब 22 रुपए किलो बैठ जाता है, ओके, और वही सीड उसको जो उसने गवर्नमेंट शॉप से लिया उसमें सब्सिडी काट के उसको 1700 रुपए या 1750 रुपए वो बीज मिला होगा। ओके, लेकिन क्या है कि जो प्राइवेट सीड इंडस्ट्री है वो नई से नई वैरायटी कोशिश करती है कि मैं मार्केट में दूं फार्मर को जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज भी जो है वो मैक्सिमम जो पुरानी वराइटीज है PBW 343 है, PBW 502 है, UP 262 है, इन्हीं सभी वैरायटीज का बीज तैयार कर रही है और वो मार्केट में किसान लेने के लिए मजबूर हो रहा है, उस ओके, पर नई वैरायटी पहुंच ही नहीं पाती है। राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड सीड्स? देखिए मेन डिफरेंस तो ज्यादा नहीं होता है, सर्टिफाइड सीड होता है कि जो यूनिवर्सिटी हमको ब्रीडर सीड देती है, सबसे ओके, पहले न्यूक्लियर सीड तैयार होता है, न्यूक्लियर सीड के बाद ब्रीडर सीड तैयार होता है, और ब्रीडर सीड की जो थर्ड जनरेशन होती है वो सर्टिफाइड सीड होती है। सर्टिफाइड सीड में जेनेटिक प्योरिटी भी होती है, फिजिकल प्योरिटी भी होती है, दोनों तरीके की प्योरिटीज उसमें मिलती हैं। और जो किसान अपने घर का बीज लगाता है उसको ये नहीं पता कि कितने साल पुराना बीज वो यूज कर रहा है, सपोज वो आज से 5 साल पहले कोई बैग लेकर आया बाजार से, वो उसने सर्टिफाइड सीड का खेत में लगाया, फिर वो उसका क्रॉप आया वो उसने अपने पास स्टोर करा, कुछ खाने में यूज करा, अगले साल फिर उसमें से बीज बो लिया, तो यदि बीज ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, ओके, सो व्हेन यू पंद्रह से से बीस परसेंट 15 से 20% प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है सर्टिफाइड सीड लगाने में और नॉन सर्टिफाइड सीड लगाने में। अच्छा, सो व्हाट इज न्यूक्लियर सी? न्यूक्लियर सीड यूनिवर्सिटी तैयार करती है ब्रीडर सीड तैयार करने के लिए, ओके, जो हमको ब्रीडर सीड देती है, ब्रीडर सीड बनाने के लिए न्यूक्लियर सीड का यूज होता है, वो सिलेक्शन से तैयार होता है। ओके, सो डज वीट कल्टीवेशन नीड्स लॉट ऑफ रेनफॉल? रेनफॉल उसको चाहिए, देखिए यदि पानी का भी साधन किसान के पास अपने ट्यूबवेल से नहर से पानी का साधन है तो वो 2 से 4 पानी लगा के अपने खेत को कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास पानी का बिल्कुल साधन नहीं है तो यदि उसने नवंबर में गेहूं बोया है तो नवंबर से लेकर अप्रैल में क्रॉप कटती है तो एटलीस्ट 2 बारिश तो उसको चाहिए चाहिए, ओके, बिना पानी के तो गेहूं की खेती वो नहीं कर सकता है। क्योंकि सो जी अगर रेनफॉल का शॉर्टेज होगा तो आई मीन व्हाट प्रिकॉशंस यू विल सजेस्ट देम टू टेक? रेनफॉल शॉर्टेज होता है तो देखिए किसान को यदि वो बोरवेल उसके पास है तो बोरवेल से पानी लगाए, या कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो कि उन एरियाज के लिए बनाई गई हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, वो उन वैरायटीज की जानकारी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेगी, जो कम पानी में होने वाली वैरायटीज है कौन कौन सी वैरायटीज है वो हमको बताए कौन वैरायटीज को उसको लगाना चाहिए। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वन डू यू सजेस्ट अ फार्मर टू यूज?
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो किसान जो अपने आप इस्तेमाल करता आ रहा है, इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उसको होती है। ओके, तो हाउ डज द फार्मर सेल हिज यील्ड? देखिए, जो इंटीरियर में, यदि हम यूपी बिहार के में इंटीरियर में बात करें, तो वहां पे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उसके पास यदि प्रोड्यूस 30-40 क्विंटल की आती है, तो वो उसमें 10-15 क्विंटल तो वो अपने खाने के लिए रोक लेता है, बाकी वो जाके मंडी में सेल करता है जो ब्रोकर से उनके माध्यम से। अच्छा, और किसान एक काम और कर सकता है कि वो अभी अच्छा किसान है, तो वो फाउंडेशन सीड लेके जाए। फाउंडेशन सीड सपोज उसने 1 एकड़ में लगाया, 1 एकड़ में लगाने के बाद उसको जो भी 25-26 क्विंटल प्रोड्यूस मिली, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करें, और आसपास लास्ट ईयर जब सोइंग का टाइम हो, तो उस गेहूं की सफाई करके अपने आसपास के किसानों को देखे, भाई मैं ये वैरायटी लेकर आया था, बहुत अच्छी वैरायटी है, साफ भी लगा। तो ओके, वो जो जो क्रॉप उसकी 1350 रुपये बिकती अप्रैल के महीने में, जो बीज के रूप में उसे बेचेगा, तो वो 1800 रुपये, 1850 रुपये भी कर सके, वो उससे वसूल सकता है, ओके उसका मार्जिन बढ़ेगा उसमें। ओके, सो फॉर 1 एकर हाउ मेनी केजीज ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड? 40 kg। 40. ओके, आई होप आदित्य यू गॉट योर आंसर. यू नीड 40 kg ऑफ सीड्स. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कमिंग अप. हाउ शुड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिडिल मैन एंड सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर? देखिए, उसका तो मैंने आपको तरीका बताया कि यदि उसके पास उस प्रोड्यूस को स्टॉक करने की कैपेसिटी है, तो वो उसको अपने पास स्टॉक करे और अपने जिधर रहता है उधर आसपास के लोगों को उसको सेल कर दे, प्रॉपर तरीके से सीड बना के। ओके, अदरवाइज कोई ऐसा दूसरा तरीका नहीं है कि वो मिडिल मैन से कर सके। उसकी वजह है कि उसके पास 50 क्विंटल की प्रोड्यूस है, और उसके खेत से यदि कोई फ्लोर मिल लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, वो 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां तक अपना प्रोड्यूस लेके जाएगा कैसे बेचने के लिए। तो ओके, फार्मर की मजबूरी है कि उसको अपने पास की जो नियरेस्ट मंडी है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की रेंज पे, वहीं जाके उसने मिडिलमैन को अपनी प्रोड्यूस बेचनी ओके, है, या गवर्नमेंट परचेस सेंटर्स जो होते हैं वहां पे जाए, यदि वो गवर्नमेंट परचेस सेंटर काम कर रहे हैं तो। अब किसान की क्रॉप तो कट गई गेहूं की, सपोज पता चला 5 अप्रैल को, और गवर्नमेंट परचेज अब तक चालू नहीं होती, तो उसकी मजबूरी है मिडिलमैन के पास जाके अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बोर्ड को लग जाता है कि गवर्नमेंट परचेज यहाँ पे हो रही है ना, लेकिन वहां पे ना लेबर होती है, ना कांटा होता है, ना पेमेंट होती है, तो किसान क्या करे। किसान को तो चाहिए कि मेरी फसल कटी है, मैं जिसको भी दूं मुझे इमीडिएट पैसे मिले। बट देर शुड बी वे आउट, राइट? हाँ, उसका वे आउट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट परचेजेस के सेंटर लग रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्रॉप मार्केट में आ गई है, तो गवर्नमेंट परचेज सेंटर चालू हो, किसान वहां पे अपने प्रोड्यूस लेकर आ रहा है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसकी प्रोड्यूस हाथों हाथ परचेज करें, उसको हाथों हाथ पैसे मिले। अब ओके, 2 एकड़ का जो फार्मर है, ये तो है नहीं कि उसके पास 50,000 रुपए का बैंक बैलेंस रखा हुआ है, कि यार उसने अपनी प्रोड्यूस दे दी और 2 महीने में 1.5 महीने में पैसे मिल रहे हैं, तो उसका काम चल जाएगा। ओके, मजबूरी है उसको मिडिलमैन के पास जाने की, अपने प्रोड्यूस बेचता है, पैसे लेकर आता है, अगली फसल की तैयारी करता है। प्लीज ऑडियंस कंटिन्यू आस्किंग योर क्वेश्चंस. आदित्य इज आस्किंग, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वीट क्रॉप? देखिए, वीट क्रॉप का ड्यूरेशन 100 दिन से लेके 145 दिन तक की वैरायटीज होती है। जो मैंने आपको HD2967 वैरायटी बताई है, करीब 135 से 140 दिन की वैरायटी है। PVW ओके, 343 जो वैरायटी बताई मैंने आपको, ये भी 130 से 135 दिन की है। एक वैरायटी WR544 है, जो कि आप दिसंबर लास्ट में बो सकते हैं, ये 100 से 110 दिन की वैरायटी होती है। जितने लॉन्ग ड्यूरेशन की आप वैरायटी लगाएंगे, उतनी आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। जितने कम दिन की वैरायटी आप लगाएंगे, उतना प्रोडक्टिविटी कम आती जाती सो विच इज द हॉट सेलिंग वेराइटी?
इस समय पंजाब हरियाणा में हॉट सेलिंग वैरायटी तो SG2967 है, यूपी के अंदर हॉट सेलिंग वैरायटी PBW 343, 502, WF 711, PBW 154, DBW 17, ये वैरायटीज हॉट सेलिंग यूपी बिहार के लिए। ओके सो आउट ऑफ 40 kg व्हाट इज द यील्ड? वैरायटी पे डिपेंड करता है, जैसे SG2967 लगाएगा तो 25 से 28 क्विंटल उसको यील्ड मिलेगी एक एकड़ में, PBW 343 लगाएगा तो उसको एक एकड़ में 22 से 25 क्विंटल की पैदावार मिलेगी, ओके DBW 17 लगाएगा तो 25 क्विंटल के आसपास की पैदावार उसको मिलेगी। ओके प्रोडक्शन तो वैरायटी के हिसाब से है ना, जो वो प्रॉपर अच्छी वैरायटी लगा रहा है तो उसको डेफिनेटली प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। अब जैसे सपोज तू SG2967 इसका स्विंग टाइम नवंबर का फर्स्ट वीक है, वो नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाएगा तो 25 से 28 क्विंटल की पैदावार लेगा। अब इसी वैरायटी को यदि वो नवंबर आखिर में लगाएगा तो उसको पैदावार 22 से 25 क्विंटल की मुश्किल से मिलेगी। ओके सो प्लीज कैन यू टाइप द नेम्स ऑफ द वेराइटीज, द हॉट सेलिंग वेराइटी, हॉट सेलिंग वेराइटीज, हॉट सेलिंग वैरायटी ऑफ नोट है SG2967, DPW 621-50। संदीप जी यस, ये चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए ना वैरायटी नाम, वैरायटी नाम टाइप कर, मतलब बाकी ऑडियंस को इजी रहेगा। ओके ओके थैंक यू सर। मैंने आप हाउ मच वन फार्मर कैन एक्सपेक्ट इनकम फ्रॉम 10 acres ऑफ वीट क्रॉप? 10 acres भी उसने गेहूं लगाया है, टाइम से लगाया है, क्लाइमेट ने उसका साथ दिया है और उसने 250 क्विंटल की वो पैदावार ले रहा है उसमें, और यदि वो मार्केट में जाके बेचता है तो 13.5 रुपए का उसको रेट मिला, उसमें करीब उसका 35% खर्चा भी आ जाता है खेत तैयार करने में, तो एक एकड़ से करीब उसको 20,000 रुपए मिला। ओके और यदि वो ये जो प्रोड्यूस है मार्केट के लिए तैयार ना करके सीड प्रोडक्शन के लिए तैयार करता है या किसी सीड प्रोड्यूसर को देता है तो इसमें 10% का और इजाफा मिल जाता है उसको, उसको जो पर एकड़ इनकम है 22 से 23 हजार रुपए हो जाती है। ये मैं एक आपको नॉर्मल बता रहा हूं मैं। ओके सो विच इज द बेस्ट पीरियड इन ईयर फॉर कल्टीवेटिंग वीट? नवंबर 1 टू नवंबर 15। नवंबर 1 टू नवंबर 16 राइट? नवंबर 15 फॉर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, इन रीजन्स के लिए, क्योंकि यही वही टाइम वो टाइम है कि जिस समय आप हाई यील्डिंग वैरायटी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। ओके व्हाट अबाउट इफ समबडी वांट्स टू कल्टीवेट इन साउथ इंडिया? एकदम साउथ इंडिया का मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके एंड सो आई मीन महाराष्ट्र में भी
हाँ महाराष्ट्र में भी जो है नवंबर फर्स्ट वीक से गेहूं को उसको बोना चाहिए। और वहां पे जो वैरायटीज लगती हैं वो जैसे एक वैरायटी ST2179 वैरायटी है, उस वैरायटी का अच्छा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। लोकवन वैरायटी है उसका अच्छा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। तो इसका जो बेस्ट सोइंग पीरियड है वो तो नवंबर फर्स्ट से नवंबर 15 ही है। और यदि वो नवंबर 15 के बाद वैरायटी और के बाद लगा रहा है तो उसके और वैरायटीज हैं जो नवंबर 15 के बाद वो अपने खेत में लगा सकता है। गेहूं की सोइंग तो दिसंबर आखिर तक, चल दिसंबर 15 तक लोग अपने फील्ड में करते हैं। दिसंबर में लगाने के लिए 15 दिसंबर फर्स्ट वीक से दिसंबर 15 तक लगाने के लिए वैरायटीज हैं। K7903 है वैरायटी, WR544 है एक वैरायटी, PBW373 है, SD2932 है। ये वैरायटीज के अच्छे रिजल्ट हैं दिसंबर सेम के लिए। सर वुड यू लाइक टू शेयर योर ईमेल आईडी सो दे कैन मेल यू डायरेक्टली अबाउट No problem, my ID is Please type in the chat box. Okay. Yeah, so they can ask you about the particular type of seeds. Aditya has one question. The selling price is fixed by the government? देखिए कमोडिटी का जो सेलिंग प्राइस है वो तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन उसके फिक्स करने से काम तो नहीं चलता ना। जैसे अभी गेहूं का भाव उसने 1350 रुपए फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन आज आप मंडी में गेहूं लेने जा रहे हैं तो आपको 1500 रुपए, 1500 रुपए गेहूं मिल रहा है। So, do you provide consultancy in wheat cultivation? Yes. One more question coming up. Which is the harvesting time? Harvesting time is April. April, okay. Audience, any more questions? Please keep posting your questions. Anita, I have one question. Please check the chat box. Do you provide consultancy in wheat cultivation, right? Yeah, that is already answered. Yeah, he answered. Another one. There is another one I have posted now. Have you received Can you repeat, please? Yeah, what is the fees for the consultancy? देखिए एज इट इज हम किसी और के लिए कंसल्टेंसी नहीं करते, लेकिन जो हमारा डीलर नेटवर्क है वो हमको बोलते हैं कि आप हमको जो आप सीट भेज रहे हो उसके लिए आप हमें थोड़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दो, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। या अपना लोकल लेवल पे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कोई हम फीस नहीं लेते। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि कंसल्टेंसी के लिए हम कहीं बाहर जा पाए। Okay, for a farmer selling produce directly to the government agencies is good or to the private or middleman, in what way he'll be beneficial? देखिए यदि गवर्नमेंट सेंटर पे उसको 1350 रुपए गेहूं के पैसे मिल रहे हैं और मिडिलमैन उसको 1400 रुपए के पैसे दे रहा है तो वो मिडिलमैन पे सेल करने जाएगा अपने प्रोड्यूस। वो क्यों गवर्नमेंट एजेंसी के पास अपना प्रोड्यूस बेचने जाएगा? यही वजह है कि इस बार गवर्नमेंट परचेजेस बहुत कम हुई है, चाहे आप यूपी में देख लें चाहे बिहार में देखें। Sir, would you like to explain more something about processing, about wheat processing?
वीट प्रोसेसिंग में हम लोग जैसे आपको बताया था कि जिसमें क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, हार्वेस्ट होने के बाद अप्रैल में हार्वेस्ट होकर हम लोगों के पास आ जाती है अप्रैल एंड तक, उसको स्टोरेज करते हैं और टाइम टू टाइम उसके अंदर मेडिसिन लगाते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं कि जिससे उसमें कोई घुन या कीड़ा ना लगे। उसके बाद उसको मई 15 के बाद हम लोग ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रेडिंग मीन्स कि जो भी गेहूँ किसान से या कोई भी जो भी फसल किसान से कटकर आई है, चाहे वो गेहूँ हो चाहे धान हो, उसको पहले प्री क्लीनर में डाला जाता है। प्री क्लीनर में जो उसमें कुछ डस्ट होती है या हस्ता पार्टिकल होता है या भूची होती है, वो प्री क्लीनर से निकल जाती है। उसके बाद वो मटेरियल ग्रेडिंग मशीन में जाता है, ग्रेडिंग मशीन में चलने लगे हुए होते हैं, वो चलना सेट होता है डायम के हिसाब से गेहूँ में, वो उसमें से जो अच्छा भारी दाना जो होता है वो अलग निकलता है, जो हल्का दाना कटा हुआ दाना या और कोई भी उस गेहूं के साथ में कोई दूसरी क्रॉप कुछ आई हुई है, कोई घास है या कोई किसी और तरीके का कोई सीड है उसमें जो कि गेहूं के खेत में हो जाता है, वो उस मशीन उसको अलग कर देती है। उसके बाद उस सीड को फिर हम लोग स्टोर कर देते हैं, और जब उस सीड की पैकिंग होती है तो उसमें फंगीसाइड का यूज किया जाता है, कार्बन डाइजिन नाम का फंगीसाइड होता है, वो सीड ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। आदित्य, यू वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन? या आदित्य वांट्स टू नो, कैन यू गिव डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, दैट हाउ मेनी इयर्स यू वर इनटू दिस बिजनेस, एंड टू बी सक्सेसफुल व्हाट आर द हाँ इम्पोर्टेंट भाई, स्टेप्स वन हैज टू टेक? क्योंकि मेन स्टेप तो यही है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका फील्ड सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा जो आप प्रोड्यूस आपके पास आ रही है उस प्रोड्यूस को जो आप बेच रहे हैं मार्केट में, वो आपका डीलर नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे टाइमली आप डीलर को मटेरियल दें और टाइमली आपको पेमेंट उसकी आ जाए, और उन वैरायटीज का ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्शन में जो कि हॉट सेलिंग वैरायटीज हैं, उन्हीं वैरायटीज का जो सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोडक्शन अपने यहाँ लेके स्टॉक करना चाहिए, वही मार्केट सर्टिफाइड सीड बना के मार्केट में देना चाहिए। सो व्हाट आर द और फर्टिलाइजर्स गेहूं के अपार्ट? अंदर देखिए, गेहूं की खेती के लिए तो एनपीके और डीएपी दो ही फर्टिलाइजर यूज होते हैं, कि जब वो अपना खेत तैयार कर रहा है तो उसको यदि डीएपी मिल रही है तो 1 एकड़ में वो 1 पेड़ डीएपी का डाल दे, डीएपी नहीं मिल रही है तो एनपीके यूज कर ले, उसके बाद उसकी 2 क्रॉप ड्रेसिंग कर दे, एक जब पहला पानी 20-21 दिन में लगाता है तो 1 क्रॉप ड्रेसिंग दे दे उसको खेत को अपने, और उसके बाद जब उसकी क्रॉप 65-70 दिन की हो जाए, जिस समय उसको लगे कि मेरी बाल निकलने जा रही है खेत में से, तो उस समय यूरिया मिल जाए या उसको एनपीके मिल जाए, साथ में कुछ पोटाश उसमें ऐड करके वो अपने फील्ड में डाले। ओके पहले पानी में फार्मर्स को जिंक भी डालना चाहिए, क्योंकि जिंक डालने से उसका जो रूट सिस्टम है वो अच्छा डेवलप होता है, टिलरिंग अच्छी आती है फील्ड के अंदर। और जो मैंने 65-70 दिन में आपको पोटाश बताया है, उस समय पोटाश डालने से क्योंकि बाल बन रही होती है तो जो दाना जिस समय दाने का डेवलपमेंट होता है उस समय भी खेत में पोटाश पड़ती है तो दाने में चमक भी आती है और दाने में दाने का वजन भी बढ़ता है। ओके ओके यू आर ओनली इन टू वीट कल्टिवेशन और एनी अदर क्रॉप्स एज वेल? ओनली वीट कल्टिवेशन। ओके ओके या थैंक यू मिस्टर संदीप फॉर द इन्फॉर्मेटिव टॉक. थैंक यू। या ओके आई होप देर आर नो मोर क्वेश्चंस, एंड इफ द ऑडियंस हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन शेयर बाय विजिटिंग इन दिस लिंक, बाय विजिटिंग एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम अंडर द ऑनलाइन एजुकेशन सेक्शन. यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेश्चन इन द फोरम एंड ऑल्सो कैन कंटिन्यू द डिस्कशन डिरेक्टली विथ मिस्टर
संदीप, ओके, आई विल रिक्वेस्ट ऑडियंस टू फिल द फीडबैक फॉर्म गिवन बिलो. Thanks everyone for filling it. Thank you for attending this webinar. This is an event organized by agricultureinformation.com. Please visit our webinar thread under the online education for updates on forthcoming events. So I'll be closing this meeting now. Have a nice day.